Hello friends and students, myself Birendra Singh. Once again I welcome you to my YouTube channel, that is BS Learning Forum. Today I have come with a new topic, and this is the discussion of the fourth chapter, class 10, West Bengal Board of Secondary Education. Its title is My Own True Family. It has been written by Ted Hughes. First, I'll read the poem in English, then after, I'll explain this one in Hindi. So let's read the poem. Once I crept in an oak wood, I was looking for a stag. I met an old woman there, all knobbly stick and rag. She said, "I have your secret here inside my little bag." Then she began to cackle and I began to quack. She opened up her little bag and I came twice awake, surrounded by a staring tribe and me tied to a stake. They said, "We are the oak trees and your own true family. We are chopped down, we are torn up, you do not blink an eye. Unless you make a promise now you are going to die. Whenever you see an oak tree felled, swear now you will plant too. Unless you swear, the black oak bark will wrinkle over you and root you among the oaks where you were born but never grew." This was my dream beneath the boughs, the dream that altered me. When I came out of the oak wood back to the human company, my walk was the walk of a human child, but my heart was a tree. अभी तक हमने इस पोएम को पढ़ा, अब इसके बाद हम लोग इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कवि स्वप्न में है और वो कहता है कि मैंने स्वप्न देखा कि मैं एक बार ओक ट्री की जंगलों में गया और वहाँ मैं मेल डियर की तलाश में था, यानी पुरुष हिरन की तलाश में था. मैं वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखा, वो कमज़ोर थी और उसने मुझसे कहा कि मेरे पास एक बैग है और उस छोटे से बैग में तुम्हारा सारा रहस्य छिपा हुआ है. उसके बाद वो भयंकर रूप से हंसने लगी और मैं भी चौंक गया. उसने अपना छोटा सा बैग खोला और उसके बाद मैं शॉक्ड रह गया. चारों तरफ मैंने अपने आप को कुछ जीवों से घिरा हुआ पाया. ये जीव कोई और नहीं बल्कि ओक ट्रीज थे और मैं बीच में बंधा हुआ था और वो ओक ट्रीज मेरे चारों ओर मौजूद थे. उन्होंने मुझसे बातें करना प्रारंभ किया. वे बोले कि हम लोग ओक ट्रीज हैं और तुम्हारे सच्चे परिवार हैं. हम ही तुम्हारे परिवार हैं और तुम हमारे परिवार के सदस्य हो. आजकल हमें काटा जा रहा है, हमें नष्ट किया जा रहा है, लेकिन तुम इस बारे में ज़रा भी चिंतित नहीं हो. हम यहाँ पर तुमसे एक वादा चाहते हैं, तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा, और अगर तुम वो प्रॉमिस नहीं करते तो तुम्हारी मौत हो जाएगी यहाँ पर, तुम मारे जाओगे. और आगे ये वृक्षों का समूह मुझसे कहता है कि जब भी तुम्हारे सामने किसी एक पेड़ को काटा जाए, तुम ये वादा करो कि तुम उसके जगह पर दो पेड़ लगाओगे. और अगर ऐसा वादा तुम नहीं करते तो हम में से ही एक पेड़ टूटकर तुम्हारी तरफ गिरेगा और तुम हमारे साथ ही यहाँ पर ख़त्म हो जाओगे, इसी ज़मीन में दफन हो जाओगे. इसीलिए हमारा यह अपील है तुमसे कि तुम ये वादा हमसे करो
कि जब भी तुम किसी पेड़ को कटते देखोगे उसके बदले में दो पेड़ तुम लगाओगे, क्योंकि हम ही तुम्हारे सच्चे परिवार हैं और तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। हमारे बगैर तुम्हारा वजूद संभव नहीं। और इस तरह से अचानक कवि जो हैं वो नींद से उठते हैं, उनकी नींद खुलती है और वो कहते हैं कि यह सपना मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। जब मैं ओक के जंगलों से वापस अपने मानव समाज में लौटा तो मेरा शरीर तो मानव शरीर रह गया था, लेकिन मेरा हृदय एक पेड़ का हृदय बन चुका था। यानी मैं पेड़ों के दुख को और उनके तकलीफ को समझ पा रहा था और अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहा था कि जिस तरह से हम वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इसे रोकना पड़ेगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा ताकि हमारा परिवार फल फूल सके और हमारी यह पृथ्वी खूबसूरत हो सके। इस प्रकार हमने इस पोएम को पढ़ा और उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझा। आगे हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज में जो भी प्रश्नोत्तर दिया हुआ है मैंने उसे सॉल्व करके उसका फोटोग्राफ अपलोड कर दिया है। आप लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे पॉज करें और देख लें और इस प्रकार आप भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू विजिट माई चैनल फॉर फर्दर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। Thank you.